पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादशमी धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली के सुभाष पार्क में धार्मिक रामलीला कमेटी की ओर से रावण दहन का कार्यक्रम किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष पार्क में रावण दहन किया। पीएम मोदी ने लाल किले के माधोदास पार्क में तीर चलाकर रावण दहन किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरा के मौके पर दिल्ली के लाल किला मैदान से देश को संबोधित किया और बुराई पर अच्छाई की जीत का मतलब बताया। पीएम ने सबसे पहले देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विजयदशमी के पर्व पर हम सभी को 2022 तक देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होंगे। साथ ही पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, हर उत्सव का मकसद समाज को प्रगति की ओर ले जाना है। पीएम ने कहा कि उत्सव मनोरंजन नहीं मकसद बनना चाहिए। हमारे उत्सव खेत खलिहान से जुड़े हैं, सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हैं। हमें समाज और जीवन में व्याप्त रावण को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अयोध्या से निकले राम ऐसा संकल्प जगा देते हैं कि नर वानर और प्रकृति सभी को अपने साथ जोड़ लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि 2022 तक देश को कुछ न कुछ योगदान करें। इससे पहले लाल किला मैदान पर रामलीला के आयोजन के सिलसिले में लगाया गया रावण का पुतला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के कुछ घंटे पहले तेज हवा से गिर गया था, जिससे सुरक्षा कर्मी सकते में आ गए थे। हालांकि ये महज एक छोटा सा हादसा था। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।